हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं सुबह सुबह शूट स्टार्ट कर रही हूँ। ये व्यू मेरी लिविंग रूम की विंडो से है और आज बारिश हो रही है। ये हमारे सावन की पहली बारिश है। सावन शुरू होने से पहले बहुत बारिश हो रही थी, लेकिन उसके बाद एक भी बारिश नहीं हुई। आज बड़े दिनों बाद बारिश हुई है तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और कल मेरा सावन का फास्ट था तो मैंने पूरा दिन नमक नहीं खाया, तो फिर अगले दिन ऐसे होता है ना कि कुछ अच्छा सा बना के खाओ, तो आज फिर मैं आलू के पराठे बनाने लगी हूँ। हर नॉर्थ इंडियन की तरह मेरे को भी आलू के पराठे काफ़ी पसंद हैं और मेरे हस्बैंड को भी, इसलिए मेरे घर में ये हफ्ते 10 दिन में एक आधी बार बनी जाती हैं। अगर मेरे पास टाइम कम हो आलू बॉयल करने के लिए, तो मैं इसको क्या करती हूँ कि छील के काट के एक डिब्बे में डाल के उसमें थोड़ा सा पानी डाल के माइक्रोवेव में बॉयल कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद इसको रेफ्रिजरेटर में रख देती हूँ 4-5 मिनट के लिए। इससे जो आलू का मिक्सचर है मेरा 10 मिनट के अंदर अंदर तैयार हो जाता है, जितने में हम बाकी सारी तैयारी करती हूँ मैं। जब मैंने परांठा बनाना शुरू किया था तब चाय बनी नहीं थी, इसलिए मैंने पहले सिर्फ सेक के रख लिए थे, और अभी बस चाय बिल्कुल तैयार हो गई है। तो मैं अभी एंड में सारे परांठे एक साथ फ्राई कर रही हूँ ताकि परांठे थोड़ी ज़्यादा देर तक गर्म रहें। और मुझे होता है कि खाना जब भी पॉसिबल हो मैं अपने हस्बैंड के साथ खाऊं, अगर मैं घर पे हूं तो अपनी सारी फैमिली के साथ बैठ के खाऊं। मुझे खाने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है अगर मैं सबके साथ खाती हूं। आप बताना आपको कैसा ज़्यादा अच्छा लगता है, कि गरम गरम खाना खाना या सबके साथ बैठ के खाना खाना। तो गाइस, मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है, अभी मैं किचन क्लीन करने लगी हूँ और उसके बाद मैं तैयार होके जाऊंगी इंडियन स्टोर। मुझे तकरीबन 1-1.5 महीना हो गया है मैं इंडियन स्टोर नहीं गई हूँ, तो मेरा ग्रॉसरी ऑलमोस्ट सारा ख़त्म हो गया है, तो मुझे बहुत कुछ लेके आने वाला है। तो फिर जाके आके आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। ये हम निकल गए हैं इंडियन ग्रॉसरी की शॉपिंग के लिए। ये देखो रास्ता कितना सुंदर है, हर तरफ पेड़ ही पेड़ है, नेचुरल ब्यूटी है, इस वजह से मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगती है। जब भी हम कभी ड्राइव पे जाते हैं ना, तो ये नेचुरल ब्यूटी देखते देखते बस मन करता है कि हम चलते ही जाएं, रुके ना। इनफैक्ट जब मैं US आई थी तब मुझे कोई पूछता था ना कि तुम्हारी जगह कैसी है जहाँ तुम रहते हो, तो मैं कभी कभी ऐसे बोल देती थी कि बिल्कुल जंगल जैसी नेचुरल ब्यूटी है। सो गाइस, मैं घर पे आ गई हूँ अपनी इंडियन स्टोर से शॉपिंग करके। मुझे तकरीबन 1-1.5 घंटा लग गया वहाँ पे शॉपिंग करते करते। कुछ चीज़ें मिली, कुछ नहीं मिली। यहाँ पे थोड़ी सी ये दिक्कत है कि जो ब्रांड अवेलेबल है, जो ऑप्शन अवेलेबल है वो ही लो। तो अभी बस आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। ये मैं दालें और स्पाइसेस लेके आई हूँ। ये मसूर दाल है और ये वाली तूर दाल है, ये दोनों 4-4 LB की हैं। मसूर की दाल है दीप ब्रांड की और जो तूर दाल है वो है लक्ष्मी ब्रांड की। इसके अलावा मैंने लिए हैं बीन्स और ये काबुली चने। इनके अलावा मुझे काले चने और साबुत मूंग चाहिए थी, लेकिन वो मिला ही नहीं। स्पाइसेस में मैं ये कोरिएंडर पाउडर लेके आई हूँ, ये मेरे घर में तकरीबन 1 महीने से ख़त्म था, क्योंकि मैं गई ही नहीं इंडिया स्टोर, तो फिर खाना इसके बिना ही बन रहा था। नेक्स्ट है घी। घी मैं लेके आई हूँ ब्रिटानिया का, और ये है हींग। हींग लेके आई हूँ LG की। लास्ट टाइम मैं वैष्णो की लेके आई थी, वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगी थी, लेकिन इस बार वो मिली नहीं। नेक्स्ट है मैगी। मैगी तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरी शॉपिंग लिस्ट में होती ही है। और ये वर्मी सैली ब्रेकफास्ट की एक अनदर ऑप्शन, या फिर कभी मीठी सेवैयाँ बनाने के लिए। मैं इस बार लेके आई हूँ बाजरे का आटा। मैंने अब बाजरे की रोटी बहुत बार खाई है लेकिन कभी बनाई नहीं, तो फिर मैंने इस बार सोचा कि चलो लेके जाते हैं और बना के देखते हैं कैसी बनती है, फिर आपके साथ भी मैं शेयर करूँगी कि इसकी रोटी कैसी बनी। ये भी मैं पहली बार लेके आई हूँ। मैं आमला कैंडी देख रही थी, वो मिला नहीं तो मैं ये ले आई। और खाने के साथ खाने के लिए लिज्जत पापड़, इसको देखते ही मुझे वो रैबिट वाली एडवर्टाइजमेंट याद आ जाती है जो हम बचपन में देखते थे लिज्जत पापड़ की। और ये कुछ स्नैक्स, मिल्क रस,
इलायची रस, पारले जी, ये सब चाय दूध के साथ अच्छा लगता है खाने में। और इनके अलावा ये नमकीन, ये हल्दीराम की भुजिया और ये आनंद का चुरमुरा मिक्स, ये पोहे पे डाल के काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि ये एक्स्ट्रा हॉट होता है। और इसके अलावा ये बाकड़वारी, ये सबसे पहले मैंने गुजरात में खाई थी, ये गुजराती स्नैक है। अगर अभी आज तक आपने नहीं खाया तो एक बार ज़रूर ट्राई करना, ये खट्टा मीठा सा काफ़ी टेस्टी स्नैक है। ये वाला पोर्शन सबसे एक्साइटिंग होता है मेरा इंडियन ग्रॉसरी शॉपिंग में, क्योंकि सब्जियां ये वाली सिर्फ इंडियन स्टोर पे मिलती हैं, जैसे ये बैंगन हो गया, करेला, लौकी, भिंडी, मिर्ची, कड़ी पत्ता, ये वाली सब्जियां यहाँ पे बाकी अमेरिकन स्टोर में नहीं मिलती। तो फिर जब हम महीने में एक ही बार जाते हैं तो एक डेढ़ महीने में ये एक ही बार घर पे आती हैं, इसलिए मेरे लिए तो ये एकदम बिल्कुल स्पेशल मील जैसी हो जाती हैं जब मैं इनको बनाती हूँ। इन सब के अलावा मैं राइस बैग और आटे की थैली भी लेके आई थी, लेकिन वो भी गाड़ी में ही पड़ी है क्योंकि इतना सब सामान उठाने में ही हमारे हाथ भर गए थे। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए।